तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रिंटर का जो है इंक उतरा हुआ है, ये देखिए इंक सब एयर ले लिया है। इसमें इंक कैसे चढ़ाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। प्रिंटर को ऑन करिए, ये देखिए प्रिंटर रेडी हो गया। अब ये टूल बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इस पर छप गया। अब प्लस वाला 9 बार प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार प्रेस करेंगे तो इस पर 10 छप के आ जाएगा। उसके बाद ब्लैक वाला प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे वो पैनल उठा के देख लीजिए इंक चढ़ा है कि नहीं। ये देखिए ब्लैक कलर चढ़ गया, एक कलर भी आ रहा है। जब दोस्तों ये पूरा इंक चढ़ जाए तो डायरेक्ट प्रिंटर को बंद कर दीजिए। डायरेक्ट प्रिंटर को बंद कर देंगे तो आपका इंक जो है ज़्यादा सोखेगा नहीं, ज़्यादा इंक खींचेगा नहीं। देखिए कलर चल रहा है। ये देखिए इंक चढ़ गया, इसको बंद कर दीजिए पावर पे। पावर से फिर ऑन करिए प्रिंटर। यहाँ से प्रिंटर ऑन करिए, ये देखिए रेडी हो गया। टूल बटन प्रेस करके छोड़ दीजिए। अभी प्लस वाला 3 बार प्रेस करना है, मतलब 2 बार करना है, इसमें 3 छपना चाहिए। 1 2 3 छप गया। अब ब्लैक प्रेस कर दीजिए। अभी इंक फ्लैश होकर रेडी हो जाएगा, प्रिंट निकलेगा।
ये रेडी हो गया।